लवर्स वागेल आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। वास्तु के वीडियो की यह श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे 10 नंबर का जो पद है जिसका नाम है पूषा, PUSHA पूषा। ये जो 10 नंबर का पद है उसके बारे में हम देखेंगे। ये पूरा जो वास्तु की हम बात कर रहे हैं वो 81 पद के वास्तु के बारे में बात कर रहे हैं। 81 पद का जो वास्तु है वो घर, मकान, फ्लैट, इंडस्ट्री यानी रहने या काम करने वाली जगह पे लागू होता है। तो यहाँ पे टोटल जो पद है वो 81 है। ये वास्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये जो बात हम कर रहे हैं वो ट्रेडिशनल वास्तु की है, यानी ये जो पूरा 32 जो पद है वो वहाँ पे जो नाम है वो देवों के नाम है और उनका स्वभाव क्या है और उनका निवेद यानी वास्तु में रेमेडीज हम क्या कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो 10 नंबर का पद है पूषा। अगर ये जगह पे मकान के अंदर मुख्य द्वार हो तो क्या फल मिलेगा ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए पूषा जो है उसका जो अर्थ होता है वो है मातृगण। पूषा जो शब्द है उसका अर्थ होता है मातृगण। और अगर यहाँ पे ये जगह पे द्वार है तो उसका जो द्वारफल लिखा है शास्त्र में वो है दासत्व या फिर गुलामी। क्या फल है? फल है दासत्व या फिर गुलामी। आज के समय के अनुसार हम अगर सोचे तो यहाँ पे रहने वाला इंसान चाहे वो बहुत ही बड़ा उद्योगपति हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, लेकिन यहाँ पे अगर वो लंबा वक्त निकालेगा तो ऐसा एक समय आ सकता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल के बाद, कि वो अपना संपूर्ण धन जो है उसको वो खो देगा और ऐसा वक्त आ जाएगा कि वो उद्योगपति जो बिजनेस कर रहा था उसको जॉब करने की जो है चांसेस हो सकते हैं। यानी समय का ऐसा पलटा आ सकता है, वक्त ऐसी करवट ले सकता है कि यहाँ पे रहने वाला उद्योगपति जॉब करने लगेगा। यानी इतनी नेगेटिविटी ये पद में है ये कहने का शास्त्र का मतलब है। और इसकी पॉजिटिविटी के बारे में अगर हम सोचे तो यहाँ पे द्वार हो तो ऐसा इंसान कम से कम जॉब तो ढूंढ ही लेगा या उसको जॉब तो मिल ही जाएगी, ये एक पॉजिटिविटी है। ओवरऑल देखा जाए तो मैंने बताया अग्नि, ये अग्नि कॉर्नर है, ये तीन 9 पद जो है वो अग्नि में आते हैं साउथ ईस्ट। यहाँ पे जो भी द्वार आएगा उसका नेगेटिव फल है और वो जो फल है या तो धन या फिर स्त्री को लेकर नेगेटिव रिजल्ट देगा, ये ओवरऑल प्रैक्टिकली देखा गया है। तो यहाँ पे द्वार फल जो है वो है गुलामी, दासत्व, और उसका जो मतलब है आज के संदर्भ में चाहे इंसान कितना भी बड़ा उद्योगपति हो उसको इतना घाटा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, ऐसी वक्त की उसको लपड़ा पड़ सकती है कि वो जॉब करने लगेगा। तो ये उसका फल है। आइए हम देखें उसकी रेमेडी क्या है। यहाँ पे मैं आपको जो है वो सिंपल रेमेडीज बताता हूँ ताकि आप अपने घर पे अपनी तरह से कर सके। देखिए जो पूषा है उसका जो नैवेद्य जो है वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसका जो नैवेद्य है वो है चावल के मुरमुरे। यानी ये जो पद है अगर यहाँ पे द्वार है, अगर द्वार नहीं है कोई वास्तु दोष है, जैसे यहाँ पे ये फायर एलिमेंट पूरा यहाँ पे होना चाहिए अग्नि तत्व की वजह से, अगर यहाँ पे जल तत्व है या कोई भी ऐसा दोष है या फिर यहाँ पे मेन डोर की एंट्री है, मेन एंट्री है घर की, तो आप क्या करेंगे, आप जो है एक बाउल में शुक्रवार सुबह एक बाउल में मुरमुरे जो कहते हैं चावल के मुरमुरे वो आप वहाँ पे रखेंगे और शाम को उसे आप किसी को दान कर देंगे या जल प्रवाह कर सकते हैं या कोई पवित्र जगह पे आप उसको मंदिर या कोई पवित्र जो पेड़ है वहाँ पे आप रख सकते हैं। तो पूषा जो है पद, ये जो देव है ये पद के पूषा, 10th नंबर का पद उसके देव है पूषा, उनका जो नैवेद्य है वो है चावल के मुरमुरे। तो ये आपको सुबह रखना है शुक्रवार को और शाम को आप उसे किसी को दान दे दे या जल प्रवाह कर दे या कोई पवित्र जगह पे रख दे। तो ये जो एक छोटी सी रेमेडी है ये आप करके देखें, आपको स्वयं ही आपको पता चलेगा कि भी ये जो ट्रेडिशनल वास्तु है हमारा यहाँ पे जो देव है उनका नैवेद्य है अगर वो वहाँ पे हम रखते हैं
तो वो देव जो है वो उससे खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं, और जो भी नकारात्मक प्रभाव है उनका वो कम कर देते हैं। पर साथ में ही कोई भी अच्छे जो वास्तु शास्त्री है, नॉलेजेबल, उनके पास से आप इसका वास्तु दोष, ओवरऑल वास्तु दोष जो है उसका सॉल्यूशन भी करवाएं। अब हम नेक्स्ट जो है हमारा 11वां पद जिसका नाम है वित्तत, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए रजा दीजिए, धन्यवाद।